माई यूट्यूब फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग मस्त होंगे, जैसे थे वैसे ही होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज भी भाड़ी फिर से लेके आया है इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग। तो ये वाला ब्लॉग होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त। तो आज फिर से एक बार बहुत ही टाइम बाद जोलीगाड़ा का सफ़र, जहाँ की मैंने सबसे फर्स्ट ब्लॉग बनाया था अपना फर्स्ट ब्लॉग। तो ये है किलमोड़ो का डाला, देख सकते हो आप लोग, मैं खा रहा हूँ अभी किलमोड़ा। ये हमारे यहाँ का फेमस किलमोड़ा, गाइस बहुत ही मीठा होता है किलमोड़ा, अगर आपने खाया होगा कभी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वाला ब्लॉग देखा होगा मेरा, जो मैंने सबसे पहले बनाया था, जहाँ से मेरे ब्लॉग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो उस वाले ब्लॉग में सबसे पहले जोलीगाड़ा का ही ब्लॉग बनाया था मैंने। ऐसे ही मैंने सोचा यार ब्लॉगिंग देखते हैं, तो फर्स्ट टाइम मैंने बनाया थी जोलीगाड़ा का ब्लॉग। तो आज फिर से जोलीगाड़ा का सफ़र, आज और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाएंगे। उस टाइम भी मैंने बहुत चीज़ें दिखाई थी आपको, सफ़ेद बुरांस के फूल वगैरह। तो गाइस, अभी अभी जस्ट हम घर से निकले हैं और अभी हमको बहुत ही दूर जाना है। अभी तो घर से निकले हैं, आधे रास्ते में, तो बहुत दूर जाना है। जैसे मैंने फर्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाया था आप लोगों को, बहुत ही दूर जाते हैं हम लोग मैच खेलने जंगलों के बीच। तो गाइस, अभी तो हम चलते हैं, तो सीधे दिखाएंगे आपको जोलीगाड़ा। तो जोलीगाड़ा में जो बंजर हैं, बड़े बड़े बंजर और मंदिर वगैरह, जो सब चीज़ आपको दिखाएंगे जोलीगाड़ा का। तो अभी तो फिलहाल चलते हैं, सीधे मिलते हैं आप लोगों को जोलीगाड़ा। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं जोलीगाड़ा के बंजरों में। तो मैच का पिच है अभी बहुत ही ऊपर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रह रखा है। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा रह रखा है बस। तो ये देखिए, लड़के लोग भी आ चुके हैं, ऊपर भी लड़के लोग होंगे मैच के पिच में, और हम लोग भी पहुंच चुके हैं। तो ये रही जोलीगाड़ा, जोलीगाड़ा मतलब नदी। तो नदी दिखाते हैं आप लोगों को, ये रही जोलीगाड़ा, जिसको बोलते हैं नदी। गाड़ा का मतलब होता है नदी, तो ये रही नदी, इसीलिए इसको बोलते हैं जोलीगाड़ा। तो गाइज, अभी ऊपर जाना है मैच के पिच में, तो अभी मैच के पिच की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। गाइज, ये पता नहीं कौन सी चीज़ है, पेड़ से गिर रखे हैं बहुत सारे, मैंने एक उठा लिया। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जोलीगाड़ा के मैदान में, क्रिकेट मैदान में, जो कि हमारा बहुत ही पुराना मैदान है। बचपन से लेकर आज तक हम मैच खेलते आ रहे हैं यहाँ, और आज भी हम फिर आ रखे हैं एक सफ़र पे। तो ये रहा गाइस हमारे क्रिकेट का मैदान, जहाँ पर कि हम खेलते हैं मैच। ये रहा पिच, और लौंडे भी आ चुके हैं, अभी और आ रहे होंगे। मैदान देख सकते हो आप लोग, कितना खुला मैदान है चारों तरफ से, और प्लस पेड़ चारों तरफ से उसके। यहाँ पर खेला जाएगा मैच, और ये ऊपर आप लोगों को दिखाते हैं, वो ऊपर है मंदिर। तो चलिए लेके जाते हैं आपको मंदिर की ओर। तो अभी हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ, आप लोगों को दिखाते हैं मंदिर। फर्स्ट वाले ब्लॉग में भी दिखा रखा है आप लोगों को मंदिर। तो वो रहा ऊपर मंदिर। तो गाइस, ये वाला पत्थर भी आपको फर्स्ट वाले ब्लॉग में बताया था, ये वाला पत्थर उठा के रखना पड़ता है इसके ऊपर, तो जो रख देता है उसकी बल मनोकामना पूरी हो जाती है। बल सुना है हमने, रखा तो नहीं है हमने कभी। और ये रहा मंदिर, जहाँ पहले रहते थे बाबा जी, और ऊपर वाली है बाबा जी की कुटिया। तो दिखाते हैं आपको मंदिर और बाबा जी की कुटिया, पहले कुटिया दिखाते हैं आप लोगों को बाबा जी की।
तो ये बाबा जी की कुटिया थी और बाबा जी रहते थे इसमें, जोगी जोगी बोलते हैं हमारी भाषा में बाबा जी को। तो ये पास में यहाँ पर नदी है तो इसलिए इसको जोगी गाड़ा बोलते हैं, जोली गाड़ा है जोगी गाड़ा जो भी बोलते हैं, लेकिन इसलिए बोलते हैं। तो ऊपर भी एक दो कुटिया जो कि बंज रखी है, मतलब पूरी गिर चुकी है बारिश वगैरह के कारण। ये देखिए खंडर हो रखा है सब कुछ, ये भी। और ये मंदिर, मंदिर तो बहुत ही पुराना है। तो गाइस यहाँ पर भंडारे चलते हैं, पूजा वगैरह तो यहाँ पर बनाया जाता है खाना। और आसपास के गांव है जैसे, तो इधर है ढाजली और इधर है चोपड़ा कोट। तो आसपास के गांव, जैसे गांव बहुत दूर दूर हैं तो गांव के लोग आते रहते हैं यहाँ पर। और ये देखिए चूल्हे लगे हुए हैं, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितने सारे चूल्हे लगे हुए हैं यहाँ पर, भंडारे होते रहते हैं। ये देखिए बहुत सारे चूल्हे, पहले वाले ब्लॉग में भी दिखा रखा है, जाके देखिए। भाई जब मैं चलता हूँ फील्ड की तरफ जहाँ पर हो रहा है मैच, तो मैच स्टार्ट होने वाला है हमारा। तो थोड़ा थोड़ा मैच का भी वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को, मैच के व्यू भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैच हो चुका है स्टार्ट, तो अभी हम आपस में ही खेल रहे हैं, लड़के बाहर गांव के लोग लौंडे आए नहीं अभी। शाबाश छक्का, छह रन। कलम भाई मार चुके हैं यहाँ पर 2 छक्के और टारगेट है उनका 10 छक्कों का पूरे दिन में। और एक और उठा दी है और कैच छूट चुका है, एक ओवर कंप्लीट। और दूसरे ओवर की पहली बॉल देखते हैं क्या करते कलम से, और ये भी फेंक दी सीधे गाड़ा में और ये भी गई 4 रन। तो बहुत ही बवंडर वाली पारी खेल रहे हैं कलम भाई यहाँ पर, अपने ओपनर हमारे। तो स्कोर हो चुका है 19 रन जो कि सिर्फ और सिर्फ कलम भाई ने बनाए। अभी पहली बॉल खेलेंगे अनिल सिंह, नॉन स्ट्राइकर, अब आ रही है उनकी बारी। एक कुट मार दी शॉट, अगली बॉल कलम सिंह के लिए और ये मार दी उठा के और ये भी छक्का, बहुत ही लंबा और दूर वाला छक्का। शायद घी का डब्बा खाली करके आए हैं कल्लू भाई आज, छक्के पे छक्के छक्के पे छक्के, 26 रन अकेले बना चुके हैं। अगली बॉल देखते हैं और ये भी उड़ा दिया और सीधे 6 रन। लगता है घी में शायद खा के आ रखे हैं दोनों मिक्स करके। और ये बॉल भी फेंक दी और ये भी कोई रोकने वाला नहीं और ये भी गई 4 रन। तो 37 रन हो चुके हैं और दूसरा ओवर यहां पर अभी चल रहा है, दूसरे ओवर की तीसरी या चौथी बॉल है और 37 रन हो चुके हैं। पहली बॉल अनिल सिंह खेलेंगे और ये उठा के खेल दिया है लेकिन ज्यादा दूर नहीं। फिर से आ चुके हैं कलम सिंह स्ट्राइक पर और अगली बॉल कलम सिंह के लिए और ये भी फेंक दी है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर और 6 रन। पता नहीं कि शायद खा के जरूर आ रखे हैं, कुछ ना कुछ खा के आ रखे हैं हर बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर। और ये उठा दी है और हो चुके हैं कलम सिंह भाई अपने आउट। तो कितने छक्के मारे, 5 छक्के, 5 छक्के अगले मैच में टारगेट हो जाएगा पूरा। तो अगला बैट्समैन हमारा हरेंद्र चौहान पहली बॉल खेलेगा, आई उड़ा दी इसने भी, पता नहीं क्या खा के आ रखा और इसने भी मार दी 4 रन गई बाउंड्री लाइन के बाहर। तो कलम भाई कैसी फीलिंग, झरफर वाली कितने छक्के उड़ाए, 5 ही उड़ा पाए। सच बताओ क्या खा के आए, कुछ नहीं वही नमक रोटी। अरे यार फौजी ने उठा लिया, बहुत ही ऊपर जा रखी है बॉल और ये आगे नीचे। अगली बॉल अनिल सिंह के लिए और अनिल सिंह ने उड़ा दिया और सीधे 6 रन।
अनिल सिंह के लिए अगली बॉल और ये कट कर दिया। बढ़िया शॉट मारी फौजी भाई ने और ये चार रन चली गई ये वाली बॉल भी। इसके बस की खेलना खेलना कुछ है नहीं, मेरे को भी आउट करा दिया इसने भोला पहाड़ी। देखो तुम कैसे खेल रहा है, खेलने का तरीका देखो इसको। कहाँ बॉल आ रही है, कहाँ बैट घुमा रहा है। अबे छक्का मार, 50 रुपए देगा तेरे को ले। चला नहीं नहीं मारी इस बॉल पे, तू देगा तेरे बस की नहीं है। अरे घर जा घर, देखो इसको ना यहाँ पर बल्लेबाजी। ओ तो बी पहाड़ी और ए हिट, गुड यार। बैट खोड़ को और मार से पहले छक्का मार, गुड यार। आज बैट तो तू फ्रेंड्स ये देख सकते हैं बहुत दूर दूर से जंगल की जो गौशाला होती है वहां से लोगों के गाय भैंस वगैरह आ रखे हैं यहां पर चरने के लिए, बहुत सारे हैं देख सकते हो आप लोग, बहुत मजे हैं इनके जंगल में, हरी हरी घास चर रहे हैं। ले ले ले, देखिए कितने सारे गाय भैंस बैल यहाँ पर आ रखे हैं दूर दूर की जंगल की गौशालाओं से। वहाँ पर भी बकरियाँ भी आ रखी हैं चरने, किसी की बकरियाँ इधर और कुछ लोगों की बकरियाँ उधर भी है पीछे नीचे, यहाँ पर ये गाय भैंस बैल वगैरह हैं। ये कितना हरा भरा रुख है यहाँ पर आजकल बस ग्याल के टाइम पे। भूख लग गई है लौंडों को फ्रेंड्स, अब लग गई है भूख। घर से ला रखी है केटली, उसमें है ग्लास और बनानी है अबल चाय, मेरे को बोल रखा है चाय बनाने के लिए क्योंकि ये वाला मैच मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो इनके काम देखिए, ये इन्होंने घर से धो के भी नहीं ला रखा है इसको, ना ग्लास धो रखे हैं ना केटली धो रखी है, तब मुझे ही धोना पड़ रहा है यहाँ पर। तो चलो मैं बनाता हूँ अभी चाय, पहले इनको धोता हूँ। ये रहा चूल्हा, ये रही लकड़ियाँ, ये जली आग, ये जल गई आग, ये चढ़ा दी केतली, ये डाल दी चाय पत्ती, ये डाला दूध चाय। चाय हो चुकी है बन के तैयार, रख दिया है ग्लास में और अब खाने की तैयारी। मेरे लिए भी बचाना रे बिस्किट, अब खाते करते हैं नाश्ता, लग गई है सबको भूख। कहते हैं आपको खाने में क्या क्या है, ये है मैगी, ये है रोटी, ये है बिस्किट, ये रही चाय और जंगल में खाने का मजा ही कुछ और। मिंटू भाई के पास गुड़ जो कि छुपा छुपा के खा रहे हैं, हमको भी दे दे भाई गुड़ है भाई, फीकी चाय है हमारे पास, दे दे भाई बेली, दे दे मेरे को गुड़ दे दे फीकी फीकी चाय। ए देखिए भाई ने ला रखा है गुड़, सब लोग कर रहे हैं अभी नाश्ता, मैच का लगा रखा है ब्रेक। तो चलिए करते हैं नाश्ता, उसके बाद खेलेंगे मैच और चले जाएंगे फिर घर। तो फ्रेंड्स अब मैच भी खेल लिया है, घूम भी लिए और चाय चुई भी पी ली अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं नहीं खेल रहा हूँ आखिरी मैच, घर जाना है, लकड़ी लेके भी जानी है घर के लिए, तो अभी लकड़ी काटनी है उसके बाद जाना है घर। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ पहले भी बोल रखा अभी भी बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब एंड जितना हो सके शेयर कर दीजिए।
और लाइक तो जरूरी करना। तो टेक केयर, गुड बाय, अभी मैं चलता हूँ घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से बी पहाड़ी के साथ। तो गुड बाय। वो रहा हमारा मैच का पिच और मैं आ गया हूँ नीचे। तो गुड बाय जोड़ी गाड़ों को भी, चलते हैं हम घर की तरफ। बाय बाय।